इनके लिए, ससुर जी के लिए, श्रेया के लिए, प्रसाद के लिए, चारों के लिए खाना बना दिया है। मैं और ससुमा अब जाएंगे ब्रांडेड होटल में। ओ, हो गया सब? हाँ ससुमा, मैंने सबके लिए खाना बना दिया है और हम दोनों के लिए नहीं बनाया क्योंकि हम जा रहे हैं ना ब्रांडेड होटल में। ब्रांडेड होटल? तेरी ब्रांडेड दोस्त का तो कुछ आता पता है नहीं। उसने तो कहा था वो जल्दी आएगी, पता नहीं अभी तो क्यों नहीं आए। झूठी एक नंबर की चूही, मुझे सब पता है। कुछ नहीं लेके जाएगी हमें वो ब्रांडेड होटल में, बस मुंह की ब्रांडेड है वो, चूना लगा के चली गई। ससुमा क्या आप कुछ भी बोल रहे हो, वो कैसे हमको चूना लगाएगी? अपने बड़े मुंह से लगाएगी चूना, बस बोलने को आता है उसे। ब्रांडेड गिरी दिखाती है, बैंड बजानी चाहिए इसकी। की ससुमा हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए, मेरे दोस्त है वो, इसीलिए तो विश्वास नहीं है। एक मिनट मैं जाती हूँ, बात करके आती हूँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कल ही मुझे पता चल गया था कहीं नहीं लेके जाने वाली है हमको। मैं ही पागल, विश्वास रख दिया, इतना तैयार हो गई, नया मंगलसूत्र पहना है आज। चलो मैं तो डेट के लिए तैयार हो गई हूँ, होपफुली अच्छा दिख रहा होगा। ओ मैम, आप तैयार हो गए जाने के लिए डेट पे? कैसा लग रहा है? अच्छा दिख रहा है। वाओ मैम, इस हरा भरा पालक कलर में यू जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बट इट्स नॉट दैट मच वाओ मैडम। बुरा मत मानना, पर अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर चूज करती, यू लुकिंग लाइक जस्ट वाओ। इसमें आप हरा सिग्नल जैसे दिख रहे हो। बुरा मत मानिए, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया ये आपका लुक, आप ना कुछ और ट्राई करो मैम। सुमित्रा, हे भगवान, कल मैंने क्यों बोल दिया ब्रांडेड होटल में लेके जाऊंगी, पीछे ही पड़ गई है। सच में कितने अनो ब्रांडेड लोग हैं, कभी गए नहीं क्या होटल में? छी 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 छी। सुमित्रा, ओफो, ये शर्मिला भी ना, लगा नहीं था इतनी ज्यादा अनो ब्रांडेड हो गई है, पीछा नहीं छोड़ेगी, और अगर मैं नहीं लेके गई तो सब जगह मेरी बदनामी कर देगी। नाम की ब्रांडेड, नाम की ब्रांडेड, क्या करूँ, बहुत पैसा खर्च होने वाला है मेरा। कोई नहीं, ब्रांडेड हूँ ना मैं, ब्रांडेड हूँ, जाऊंगी लेके, ब्रांडेड जबान से मैंने वादा किया है, करूंगी वादा पूरा। हेलो शर्मिला, कुछ बोल रही थी क्या? वो आज हमको जाना है ना, कहाँ पे है? पलट गई, ब्रांडेड, बड़ी ब्रांडेड ब्रांडेड कहती है, ब्रांडेड जबान काट दूंगी मैं तेरी। कल तो यहाँ पे बैठ के बोल रही थी ये वो, आज क्या हो गया? हवा निकल गई, चुप बैठ गए तू। बड़ा विश्वास क्या कर दिया बड़े मुंह वाली ने? क्या सुमित्रा, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुमने कल हमको कहा ब्रांडेड होटल में लेके जाओगी और आज बोल रही हो नहीं लेके जा रही। हाँ तो मैं कब बोली नहीं लेके जाऊंगी? क्या शर्मिला, ब्रांडेड दबंग से मैंने वादा किया है, जरूर लेके जाऊंगी मैं, आप इतना चिंता मत कीजिए। अनु ब्रांडेड मैं लेके जाऊंगी तुम दोनों को ब्रांडेड होटल में, ठीक है ना? आप भी ख्याल याद रखोगे। अच्छा तैयार हो गए आप दोनों? तैयार हो चुके हम, सुबह से ही तैयार थे, रात भर तो मुझे नींद भी नहीं आई। मैं थोड़ा सा मेकअप करके आती हूँ, वो ब्रांडेड होटल है ना, वहाँ पे मेरा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। अभी आप तो अन ब्रांडेड हो, आपको क्या जरूरत है? पर मैं ठहरी ब्रांडेड, मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, पति ब्रांडेड, बेटा ब्रांडेड, सासू ही ब्रांडेड, इग्नोर हो, मुझे मेरा मेकअप करके आना ही पड़ेगा। दांत निकाल दूंगी हाथ मत मेरे सामने, वैसे सारा मेरा मूड खराब कर दिया, साड़ी का पल्लू इधर से उधर हो गया। कोयल ये देख, ये कैसा दिख रहा? अच्छा ओ मैम, यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, ट्रेन के डिब्बे के पीछे जो लाल बत्ती होती है वैसे दिख रही हो आप इसमें। एंड आई लव योर लुक मैम, पहले वाले से डेफिनेटली बेस्ट थे, क्योंकि हरा दिखने पे सब यहाँ वहाँ भागते, पर आप रेड पहनियो, रेड पे सब कुछ रुक जाता है, एंड आई थिंक जो भी आपके साथ आने वाला है वो आपको देख के ही रुक जाएगा। चलो मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक मैम, वैसे बेस्ट ऑफ लक की जरूरत तो जो आपके लिए आने वाला है उसको है, क्योंकि आप यहाँ से जा रहे हो। आई एम रेडी, चलता है मेरे ब्रांडेड होटल में। चलो चलो ससुमा, जल्दी चलो।
मम्मी आप चलेगा अब हम खेलेंगे घर 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 घर। यार उस दिन हम ये बने थे ना, मेरी बुआ शर्वरी जी अभिजीत अंकल, कितना मजा आ रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था कंटिन्यू वही खेले। हाँ यार उस समय काफी मजा आ रहा था, आधा ही छूट गया हमारा। अभी हमारी मम्मी आ चली गई, वो बहुत देर लगाएंगी। मम्मी कह रही थी कि कुछ वो होटल में गई है, वहाँ पे खाना खाएंगी, फिर बैठेंगी गॉसिप करेंगी, तब तक हम यहाँ पे अपना घर घर निपटा लेते हैं। विकास बस आता ही हो। हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, हाउ आर यू? ओहो तुम्हारे पास कहाँ से ड्रेस आया है? ये तो अभिजीत अंकल का आइकॉनिक शर्ट है, कितना अच्छा दिख रहा है। वो मैंने घर घर खेलने के लिए सेम टू सेम लिया है, ताकि थोड़ा सा और फील आए। मजा आएगा अब तो। हाँ चलो गाइस, तो उस समय हमारा कहाँ पे आया था घर घर, और मैं तुम दोनों को रोमांस करते हुए देखती हूँ एंड मैं जल जाती हूँ। मैं यहीं पे थी ना, और तुम दोनों यहाँ पे थे। ओके तुम अपनी पोजीशंस ले लो एंड वापस से अपना रोमांटिक शुरू करो। हाँ ओके, तुम क्या कर रहे थे? यहाँ पे थे हम माय शर्वरी, यहीं पे तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और तुम शर्मा रही थी जैसे कि अभी शर्मा रही हो। हाँ ओके एक्शन। आप ही ची इक्की कर छो, मेरा हाथ छोड़ो। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हमारी वजह से और खास करके मेरी वजह से तुम बदनाम हो जाओ। अगर तुम्हारे लिए मुझे बदनाम भी होना पड़े तो उस बदनामी में मुझे बहुत मजा आएगा और मैं खुशी खुशी बदनाम हो जाऊंगा। अभिजीत हाथ छोड़ो मेरा, देखो ये अच्छा नहीं है, और अब तुम्हारी अब बीवी भी है तो एक तरफ घर वाली दूसरी तरफ बाहर वाली नहीं। शर्वरी अभिजीत तुम्हारे अलावा और किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम देखती नहीं क्या, शौर्जित 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 एक थे एक है और हमेशा एक रहेंगे मेरी शर्वरी। बस शर्वरी क्यों तुम हमारे बीच में आ रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? अभी अभिजीत की शादी मेरे साथ हो गई है और वो सिर्फ मेरा है। बस शीला बहुत हो गया, अब मैं मेरे प्यार को पाकर ही रहूंगी। भले ही मैंने मेरा प्यार खोया पर अब नहीं, इस बार मैं नहीं उसको खोऊंगी। वो वापस मेरे पास आ गया है, मेरी दहलीज पे आ गया है, अब मैं उसको वापस तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगी। अभिजीत मेरा पहला प्यार है, था और हमेशा रहेगा। अगर तुम इतना ही अभिजीत से प्यार करती थी तो क्यों तुमने अभिजीत का प्रपोजल वैलेंटाइंस के वीक में पूरी सोसाइटी के सामने ठुकराया शर्वरी? बोलो। माना मैंने अभिजीत को ठुकराया क्योंकि उसके पीछे मेरी जॉब की वजह थी, मुझे जॉब पाना था, पर अब जॉब ही नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? अभी जॉब नहीं तो अभिजीत ही सही। अभिजीत वापस आ गया और मैं अब अभिजीत को नहीं छोड़ूंगी, समझ गई? बॉयकट। ओए आंटी डोंट कॉल मी बॉयकट। देखो अभिजीत सिर्फ और सिर्फ मेरा है, पिछले 2 महीनों से मैं उसके साथ रह रही हूँ, अब धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में वो आ गया हूँ, धीरे धीरे मेरे दिल में उतर गया हूँ। तुमसे पहले मेरे दिल में वो उतर गया उतर गया उतर गया, मेरा है अभिजीत। बस बच्चों क्या कर रहे हो ये, निकलो अपने अपने घर में। तुम्हारी मम्मियां बाहर नहीं गई, तुम्हारा घर घर शुरू हो जाता है, किसी के भी ऊपर कुछ भी बना रहे हो, ये क्या तरीका है? बता दो क्या तुम्हारी मम्मियों को? वो तेरी इनकी मम्मी नहीं, कल मेरी मम्मी आने वाली है, पता नहीं फिर क्या होगा। और ये बच्चे अगर मेरी मम्मी के सामने ऐसा कुछ कर दिया तो मेरी तो खैर नहीं। हे भगवान जब मम्मी आए तब कुछ बुरा ना हो, सब कुछ अच्छा ही हो। भाई ऐसा होता है क्या, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। पहले से मुझे पता था इसका कुछ नहीं होगा, सारा प्लान
चौपट कर देगी ये। देखा, रख अपनी दोस्त पे और विश्वास रख। ब्रांडेड होटल कुछ लेके नहीं गई ब्रांडेड होटल में। ऊपर से मुझे 2 किलोमीटर चलना है। सॉरी सॉरी, अभी मुझे क्या पता वो होटल बंद होगा। तूने जानबूझ के किया, तू हमको लेके नहीं जाना चाहती थी होटल में। सब नौटंकी की तूने। मैं क्यों करूंगी जानबूझ के श्रेया की दादी? देखे वो पूरे शहर में एक ही ब्रांडेड होटल है। अगर दूसरा ब्रांडेड होटल हो तो आकर मैं वहां पे आपको खाने के लिए लेके जाती। अभी वो बंद है तो मैं उसमें घुस के बैठी हुई है क्या? या मैंने ताला लगा दिया है? कुछ भी बोलती हो तुम्हारे साथ, मैं क्यों जानबूझ के करूंगी? अरे भाई ब्रांडेड होटल है वो, उसके कुछ अपने नियम रूल्स होंगे। चले गए, मैं आपको लेके बंद जाने दो। कैंसिल कैंसिल क्या कैंसिल? आज के दिन होगा वो क्लोज, कल तो खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा, तेरसों खुल जाएगा, तब लेके जाएगी तू। पर अपना प्रॉमिस नहीं भूलेगी, समझी? लेके जाऊंगी बाबा, लेके जाऊंगी मैं, मेरा प्रॉमिस है, मैं जरूर पूरा करूंगी। आप दोनों को लेके जाऊंगी मैं ब्रांडेड होटल में, मेरा प्रॉमिस है। विश्वास रखो मेरे ऊपर। विश्वास नहीं है क्या? नहीं है मुझे तेरे ऊपर विश्वास, बिल्कुल विश्वास नहीं है। पर आज तूने जो हमारे इमोशंस के साथ खेला है ना, उसके लिए तू उठक बैठक लगाएगी मेरे सामने अभी। मेरी गलती क्या है पर इसमें? अगर होटल बंद है इसमें मेरी क्या गलती है शर्मिला? बहू अभी ससुमा का दिल रखने के लिए करो उठक बैठक। वाह, जैसी सास वैसे बहू, लगाती हूँ मैं उठक बैठक। 1 2 3 पूरा झुक के। 1 2 3 वाह रहा तू चुही, तुझे देखती हूँ। क्यों कॉल कर रहा? हेलो या नो, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। अचानक आ जाते हैं काम, अभी मैं वहां पे 3 घंटे बैठी, 3 घंटे। इट्स ओके, हाँ नहीं चलेगा, आना ही नहीं है मुझे। ठीक है ना, आती हूँ। कब? हाँ पोस्टपोन ही करते हैं। ठीक है चलेगा, मैं आपको बता दूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा, तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जब मुझे मिलेगा तब तभी हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि आपको क्या बिजी होते हैं ना, मैं भी बिजी होती हूँ। अभी मेरा सारा काम छोड़ के आ गई थी वहाँ पे। सारा आ गए, नहीं चुहा। हाँ ओके ओके बाय। हाँ टेक केयर।